कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को जब सांस लेने में दिक्कत आती है तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। फिलहाल देश में वेंटिलेटर की किल्लत है और इसके विकल्प के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव चौहान ने ऑटोमेटिक एम्बू बैग डिवाइस तैयार किया है। उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर के विकल्प के तौर पर ऑटोमेटिक एम्बू बैग तैयार किया गया है, जो एक तरह से वेंटिलेटर का ही काम करता है। इस मशीन की मदद लेने पर मरीज को सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। डॉक्टर राजीव चौहान ने बताया कि इस डिवाइस की कीमत 15,000 से 20,000 रुपए होगी। इट इज नॉट एग्जैक्टली द सब्स्टिट्यूट ऑफ अ वेंटिलेटर, इट इज बेसिकली ब्रिज बिटवीन अ मैनुअल वेंटिलेशन एंड अ हाई एंड वेंटिलेटर्स। इन दिस वी हैव बेसिकली मेड अ मशीन विच विल वर्क ऑटोमेटिकली, विच विल कंप्रेस एम्बू एट अ सेट रेट एंड वी कैन डिलीवर अ सेट टाइडल वॉल्यूम टू अ पेशेंट, एंड देयर सर्टन सेफ्टी फीचर्स विच we have incorporated which is required for the ventilation of a patient. Could you explain that how it is different from the normal ventilator to actually in the normal ventilator, first of all the cost of the normal ventilator is around 12 to 15 lakhs, maybe a little bit 8 to 15 lakhs. There is a different range for ventilators, but the device which we have made, it is will be costing somewhere around 12,000 to 15,000, maybe more than a little bit more than that. इस डिवाइस का वजन 1.5 किलो है और पोर्टेबल साइज के इस डिवाइस को मरीज के तकिए के पास रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिवाइस बिजली से चलता है और बिजली ना होने की स्थिति में 6 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप है। डॉक्टर राजीव चौहान ने बताया कि उन्हें इस डिवाइस को तैयार करने में 1 साल का वक्त लगा। इनके साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के 2 इंजीनियर का भी बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे की एक स्टार्टअप नौका रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियरों ने भी कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए एक ऐसा ही विशेष पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया था। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।